यहाँ पे ये सैलड है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ सैलड भी हैं एंड यहाँ पे रायता भी है, चटनियों की भी बहुत सारी हैं। ये यहाँ पे सलाद है एंड ये भी सलाद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ ज़ैद फातिमा, आप लोग देख रहे हैं आयदा मेक गाइड ब्लॉग्स। तो गाइज आज मम्मा की बर्थडे थी तो उन्होंने हमें आज कोई पार्टी देनी थी तो हम लोगों ने उनसे पार्टी मांगी, तो आज वो हमें लेके आई एक सरप्राइज प्लेस पे। ये सामने टाइटल देखे तो आप लोग गेस कर ही चुके होंगे कि हम लोग किधर आए हैं। हम लोग आए हैं राका कोशी हाइट्स रेस्टोरेंट जो कि है F7 मरकज में, तो आज हम वहीं आए हैं आप लोगों को दिखाने एक और बूफे। तो वीडियो अंत तक देखें, मेरे चैनल आई दम मिताइल ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, मिलकर इन्जॉय करते हैं यहाँ। तो वीडियो को टाइम ज़्यादा की बजाय जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, यहाँ का भूखे लग चुका है एंड अब मैं यहाँ से अपनी चीज़ें लेने जा रही हूँ, खाने मतलब खाने की चीज़ें लेने जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस केचप भी है एंड गाइस ये सबसे पहले आते ही बिरयानी डालते हुए चुप कर। गाइस मैंने इसके अंदर रायता डाल लिया, मेरा दूसरा हाथ फ्री ही नहीं है कि मैं जिससे वो डालूँ। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे ये सैलड की भी वैरायटी है। ये क्या है गाइस, ये मैक्रोनी है क्या चीज़ है एंड ये सारे सलाद हैं। इसी तरह तो डालना था तो मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट रख ली, अब यहाँ से मैं उठाऊँगी। वैसे गाइस मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा इन लोगों ने ये काटे हुए हैं एंड अब यहाँ से मैं ये वाला सैलड उठाऊँगी। यहाँ से चम्मच उठा लेते हैं एंड लेट्स गो। तो गाइस अब मैं अपनी प्लेट लेके आ गई हूँ एंड अब हम टेस्ट करते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। गाइस अच्छा है इन लोगों का एंड बहुत अच्छे से इन लोगों ने फूड डेकोरेट पे अच्छे से रखे हुए हैं, अच्छी बहुत अच्छी एम्बियंस है यहाँ पे एंड गाइस पीछे व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। लोग भी यहाँ पे अपना बैठ के लंच कर रहे हैं एंड पीछे व्यू देखें गाइस बहुत अच्छा है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है एंड अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब अभी दोबारा खाने बन रहे हैं तो इतनी देर तक मैं अपने चावल फिनिश करती हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो मैं आप लोगों को कह रही थी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन गाइस अभी मैंने जब चावल ट्राई किए हैं, चावल में गाइस बोटी खाए गए, बोटी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ चावल है एंड दही है। गाइस ये अच्छी बात नहीं है कि इसमें इन्होंने बोटी नहीं दी बिरयानी की, मतलब बिरयानी है, बिरयानी नाम की बिरयानी दो ना गाइस, सारे इसके अंदर सिर्फ चावल दिए हैं, ये बात अच्छी नहीं थी। लेकिन बाकी सब ठीक है, लेकिन बस ये अच्छा नहीं। खबर गाइज मैं अभी अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें भी लेने जाएंगे। मैं एक गोला कबाब लेके आई हूँ एंड गाइज बोटी उन्होंने दे दिया है तो गोला कबाब ले आई हूँ, अब इसे चेक करते हैं। चटनी भी लगा दो, चटनी दो, चटनी तो लगाए। गाइस ये तो बहुत मजे के हैं। अभी गाइस हम लोग और भी चीज़ें लेके आते हैं आने का। गाइस मुझे एक और भी बात पता चली है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई कोका कोला या कोई ड्रिंक लेनी होती है तो उनके आप अलग पे करते हो, यानी कि इसके अंदर ड्रिंक्स नहीं है वो भाई।
ड्रिंक्स नहीं है, तो ये बात भी बुरी है कि इसके अंदर कुछ तो हो, पानी तक दे दो, लेकिन पानी भी हमें खुद पे करना है, नॉट गुड। मिकाइल ले आया है 7 अप, अब मिकाइल से खोला जरा, 10 है, ख्याल से खोलना, कपड़ों पे गिर जाए। नीचे क्यों कर रही हो, टेबल पे रखो, खड़े होके करो, एंड मैं करती हूँ, ये पकड़ दो, देखा गाइस मिकाइल से नहीं हो रहा, एंड इसकी शक्ल देखते हुए मैं खोलती हूँ गाइस, पप्पा वाह भाई, मैंने तो नेल्स लगाई। मिकाइल चाउमीन लाया, कैसी है? कैसी है? मजे की है, बस स्पाइसी है। गाइस मैं मिकाइल के लिए पी रही हूँ, पी लूँ? गाइस मैं चाउमीन टेस्ट करूँगी, मिकाइल ने दिया स्पाइसी है और मजे की है। मिकाइल यहाँ से ये सारा कुछ ले आया, अब मैं भी लेके आती हूँ, मैं कुछ और नया ट्राई करने आई हूँ, तो अब इसे उठा रही हूँ दोबारा, नहीं ये उठाती हूँ, ये उठा देती हूँ, ऊपर अभी किधर रखूँ इसे, इसमें क्या है, ओह ये अल्फ्रेडो पास्ता आई थी, तो चलिए ये डालते हैं, आज चल गया भाई, अच्छे से सजा के रखूँगी जितना खा सकूँ, इतना पास्ता डाल लेते हैं, इसे इधर रख लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं, इसमें क्या है, ओ इसमें चाउमीन है, ये भी थोड़ी सी ले लेते हैं, वैसे तो मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन और दे लेंगे, थोड़ी सी लेंगे, ओके ओप्स। गाइस मैंने बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ फूड नहीं किया गाइस, अब इधर आए हैं, इधर कुछ अच्छा है, इधर क्या है, ना ना नहीं, वापस चलते हैं, इधर क्या रखूँ गाइस, खाली खाली प्लेट लग रही है, जब बिरयानी डाल लेती हूँ, ओह न्यू आ गई, टमाटर क्यों आ रहे हैं बीच में, थोड़ी सी लेंगे, लौंग इलायची सब इस दफ़ा आ रही है, अब ये पता लग गया ना मैं आई तो, बस चावल और डालेंगे, बस ओके। तो गाइस मेरी प्लेट रेडी है, हम इसे लेके चलते हैं, अब्दुल्ला भाई आए हैं ये लेने, हाँ बाल उड़ गए मेरे, हाँ और आप कौन है? मैं रिव्यू देता हूँ इसका, बहुत अच्छा खाना है, अभी हम खा रहे हैं और अभी हम खाने के बाद आपको और बताऊंगा। अच्छा बड़ा अच्छा खाना लगा जी, अभी तक समझ नहीं आई ये किस लिए, ये है क्या, अरे ये है किस लिए, चलो छोड़ो हमें क्या, लेकिन मैं अभी फिलहाल ये डालूंगी। देखिए मेरी इतनी प्यारी प्लेट तैयार हो गई है माशाल्लाह, अब हम इसे खा के चेक करते हैं, थोड़ा हवा में खुश्क हो जाती हूँ मैं, एंड मिकाइल आगे, मिकाइल इधर वीडियो में आओ, कैसा खाना लग रहा है? गाइस मैं जितने भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं मैं उनसे पूछ के बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सारे बोल रहे हैं अच्छा खाना है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये लेके आया तो मैं इसका चुपके से उठा लेती हूँ, गाइस मुझे तो लगता था कि मैं घर में नूडल्स खाती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाद में मिलते हैं, लेकिन ये अल्फ्रेडो पास्ता है, चेक करती है, ये
गाइस चीज का टेस्ट है बहुत अच्छा है। ओ गोला कबाब गाइस, मेरी पूरी प्लेट भर चुकी है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। सो फर्स्ट फिर मेरे खाते हैं एंड सबसे पहले तो मैं बोलूँगी थैंक यू माँ पापा को जो मुझे यहाँ ले के आए। घर में खाना खा खा के बोर हो गई थी मैं, मुझे खाना खाना था बहुत अच्छा है। अरे रायते के साथ लगा अल्फ्रेडो पास्ता बिरयानी, ये बहुत अच्छा है बिरयानी के अंदर। अभी हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया ना, हमको पता नहीं मुझे शायद सुन के, इतनी बिरयानी के अंदर इतनी बोटियाँ डाली है कि बिरयानी में बोटियाँ ज़्यादा लग रही है। अब वो भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं खाती हूँ, जैसे कि वो मैक्रोनी क्या थी, वो मैक्रोनी थी क्या चीज़ थी मुझे नहीं समझ आया। क्या दिखाओगे? इतना बड़ा गाइस वर्ल्ड रिकॉर्ड, खाओ इसे जल्दी खा लो, जल्दी 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 10 सेकंड में से खत्म कर दे। 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओहो कर गया ये तो इतना जल्दी। खैर मैं तो अपना खाना खाऊं। गाइस अब बिल पे हो रहा है एंड सारे एक दूसरे को देख रहे हैं कौन बिल पे करेगा एंड अभी फिर देखा जा रहा है कोल्ड ड्रिंक मिला के कितने पैसे बने। अब सारे एक दूसरे को देख रहे हैं और पैसे बराबर बराबर कर रही हैं, क्योंकि गाइस हम लोग फैमिली के साथ नहीं आए, हम लोग दूसरी फैमिली, हम सारे फैमिली आए हैं, जिसकी वजह से अब सारे एक दूसरे को देख रहे हैं कौन बिल पे करेगा और सारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं और वेटर सारे हमें देख रहे हैं एंड मैं आराम से यहाँ पे बैठी हुई तालियां बजा रही हूँ, सारे तमाशा कर रहे हैं और मैं यहाँ तालियां बजा रही हूँ। एंड गाइस कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, तो अगर ये फ्री था तो गाइस कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो ये है ना, इसी के कहती है कि एयर टिश्यू है, ये हम लोगों ने सारे ख़त्म किया। अब अंदर जो है वो भी मैं अपने मुंह पर लगाई जा रही हूँ कब से, देखे नीचे गिरे पड़े हैं, बोतल उधर गिरी पड़ी है, वो चीज़ उधर गिरी पड़ी है, तो बात एंड ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। करो ना यार ये क्या हो गया। गाइस मेरे पापा ने जो यहाँ के वेटर है ना उसे 1000 रुपीज टिप दी है। गुड गुड अच्छा ऐसे आप लोग भी क्या करो टिप दिया करें, लेकिन मैं हंसे जा रही इसी पीछे बैठी, कोई पता नहीं मैं क्यों हंस रही थी लेकिन हंस रही थी। तो अब यहाँ पे टिशू हम लोग देख रहे हैं, अब उसके अंदर से टिशू निकालूंगी मैं, सारे के सारे तो अंदर घिस गए हैं। अभी देख के आती हूँ अगर और कुछ है तो और खा के आते हैं। ना करो गाइस, मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या लेना है। वैसे तो मैं यहाँ पे गोले को वापस बढ़े हैं तो इनका भी वैसे मन है, लेकिन अभी फिलहाल yes।
क्या बोले जाए, बना के अब हम जाके खाएंगे। फोटो बन रही है एंड गाइस मैं दोबारा बिरयानी ले आऊंगा, मुझे बिरयानी तो पसंद है। मैं तो इधर बंद ले आ रही हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड गाइस हम लोगों ने लंच बुक से ऑर्डर किया था, जिसकी वजह से इसमें इसके अंदर मुझे तो होगा बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत मज़े की थी चीज़ें, लेकिन मतलब थोड़ी कम चीज़ें थी इसके अंदर, तो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को आने को। अगर आप लड़वा का पर्सन आएंगे तो आप लोग इसका जरूर से डिनर बुक से ऑर्डर करना, उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी एंड बहुत अच्छा आपको बाकी का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मैंने लंच बुक से किया था, इस वजह से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप लोग जरूर से ट्राई करना जरूर, मैं लेकिन रिकमेंड नहीं कर रही। खाने का टेस्ट वैसे अच्छा है, तोबा तोबा सारे उठ के जा रहे हैं, लेकिन आया अभी तक मैं तो अभी भी पेट भर चुका है, लेकिन और खाने की क्रेविंग है, बट टाइम इज ओवर, 5 बज चुके हैं। हम लोगों ने 3 से 5 वाली बुकिंग की थी, अब अगला स्लॉट शुरू हो गया। मैं आप लोगों को सही टाइमिंग वगैरह सब आपको मैं नीचे बायो में दे दूँगी, आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक जरूर से कर लेना। एंड अभी फिलहाल गाइस हम जाने लगे, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताएं। मैंने आप लोगों को राका पोशी ये अंदर की एम्बियंस दिखाई, उसको खाना दिखाया, मैंने ये दिखाया आप लोगों को कि मैंने अंदर क्या क्या किया और जो मेरे साथ फ्रॉड है वो दिखाया, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अब जो हम लोग घर जाने लगे क्योंकि टाइम इज ओवर, वैसे तो मेरा पेट भर चुका है, आई एम फुल, बट मुझे ना थोड़ी बहुत एम्प्लॉय थी खाने की, लेकिन गाइस टाइम इज ओवर, आप नहीं खा सकते, लेकिन कोई बात नहीं गाइस चलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर मुझे एम्बियंस बहुत अच्छी लगी, पर यहाँ पे जो खाने की ना वैराइटीज़ बहुत कम थी, यानी खाने की ना वैराइटीज़ बहुत कम थी यहाँ पे, और मतलब बहुत कम कम चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लंच बुफे था और डिनर में ज़्यादा होती है। वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ, वैसे तो मैं खुद नहीं करती कमेंट, रिकमेंड नहीं करती मैं आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों ने जाना ही है, आप किसी भी है
तो आप लोग जा सकते हो, इसका डिनर बुफे ले सकते हैं। हम सारा कुछ प्राइस वगैरह में सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और वहाँ से जा सकते हो। एंड जरूर से मेरे बाकी की ब्लॉग भी चेक करें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर से बता दें। मैंने आप लोगों को मेरा सब कुछ ही दिखाया। एंड वीडियो अब लोग बाय।